यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक एज पे एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको जस्ट कांटेक्ट पे लगा के हमने छोड़ रखा है, जस्ट कांटेक्ट पे लगा के छोड़ रखा है, और हल्का सा टिल्ट करके इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे। अभी अगर देखोगे तो इसका सेंटर जो एकदम एज ऑफ वॉल के एकदम ठीक ऊपर है, ठीक है, ये इसका सीएम है, ये दे रखा है उन्होंने, सॉलिड सिलेंडर है। अब उन्होंने बोला है दिस सिलेंडर इज टिल्टेड स्लाइटली, सिलेंडर इज डिस्टर्ब स्लाइटली, टिल्टेड नहीं बोलते, डिस्टर्ब बोलते हैं, डिस्टर्ब्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, फ्रिक्शन इज सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। Find the angle through which the center turns at which it breaks off contact with surface. ये आपसे पूछा है हमने, एक मिनट, कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी क्या, मैं एक मिनट सोच रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो काफी रन देते। अब ये सोच के देखो, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? हाँ सर। अगर मैं इसको थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर शो करूं, सिंस उसने ऑलरेडी कह रखा है कॉन्टैक्ट ब्रेक, मतलब यू नो स्लिप नहीं करेगा, इसका मतलब एक एज के अबाउट ही घूम रहा है ना, ये तो मतलब निकला। हाँ सर। तो देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखो ये टर्न कर गया, मान लेते हैं थीटा एंगल से टर्न कर चुका है कुछ, तो इसका लोकस को दिखा देते हैं, ऐसे थीटा एंगल से टर्न कर चुका होगा, सो सेंटर कहीं यहाँ पे आ चुका है। So this has turned to an angle theta. तो theta से अगर वो turn कर चुका है तो normal reaction तो इधर से ही आएगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा। मैं general आपको calculation करना सिखा रहा हूँ कि general किससे कैसे calculation करते हैं। तो normal reaction ऐसा दिखाया हमने, और friction parallel to surface होगा, तो यहाँ पे friction दिखाएंगे आप, ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर। फिर एक ग्रेविटेशनल पुल आपका एमजी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्सेस हमने दिखा दिए। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, देखो इसमें सेंटर ऑफ मास तो आपको दिख ही रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, बट आपको ये पता चल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आईसीआर है, दैट इज आईसीआर। तो आईसीआर के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, वो तो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होगा, तो ये आप श्योर होकर कह सकते हैं कि ये उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आएगी दैट विल बी अल्फा इनटू आर हो जाएगी, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, इस रिंग का मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा दिखा रहा हूँ, और एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी होगा एंड दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर आएगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। देखो कॉन्टैक्ट ब्रेक ऑफ करने की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ब्रेक ऑफ करने की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट ब्रेक ऑफ करने का मतलब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, right? Yes, sir. और normal reaction zero हो रहा है, इसका मतलब friction भी zero? Yes, sir. ना? ठीक है, क्योंकि friction ही तो normal reaction की वजह से आता है, normal reaction ही नहीं रहेगा तो friction कहाँ से रहेगा? तो ये दोनों ही forces आपके vanish कर जाएंगे, but उसके पहले तक उनका role होता definitely, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए उनका कोई role नहीं होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे इसमें पहले तो ओमेगा निकाल लेते हैं। आपको पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन लग रही है वो एक ऐसे पॉइंट पे लग रही है जो स्लिप ही नहीं कर रहा है, और स्लिप नहीं कर रहा है तो उनका कोई नेटवर्क नहीं हो सकता है, और नेटवर्क नहीं होगा तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो आपका कंजर्व रहेगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लॉस हो रही है, एंड काइनेटिक एनर्जी की आपका गेन होगा। एंड इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस मतलब एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये समझ आ रही है आपको? सेंटर ऑफ मास कितने इंच से नीचे आया है दिख रहा है आपको? हाँ सर। एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसको आप डायरेक्टली हाफ ऑफ आई अबाउट आई सी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, तो हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई सी आर विच इज 3/2 एम आर स्क्वायर,
सिलेंडर है इनटू ओमेगा स्क्वायर कर लिया, और देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको एक लाइन में मिल गई है, ये आर भी कैंसिल आउट हो गया, सो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 4/3 टाइम्स ऑफ जी इनटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये आपका इक्वेशन बन रहा है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिंस उसने ऑलरेडी कह रखा है कि आपका यू नो एमजी का जो वैल्यू है वो सफिशिएंट है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का इस पॉइंट पे, क्योंकि एन जीरो हो गया है, तो एम जी का जो कॉम्पोनेंट टुवर्ड्स इस सेंटर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, एम जी कॉस थीटा, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो आप इक्वेशन क्या लिखते हैं, एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, बट नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करना है क्योंकि कॉन्टैक्ट ब्रेक कर रहे हैं आप, समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, यस सर। तो यहाँ से एम जी कॉस थीटा is equal to m into omega square r, which is 4/3 g into 1 minus of cos theta. यहाँ से m g cancel out हो जाएगा और यह 3 cos theta is equal to 4 minus of 4 cos theta. And therefore, cos theta की value आ रही है 4/7. So theta is cos inverse of 4/7. समझ आई? समझे? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इफ मान लेते हैं ऐसा एक सिचुएशन दे रखा है, इफ इन प्रीवियस प्रॉब्लम it was found that at cos theta equal to 6/7 the cylinder started slipping then find म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको निकालना है, म्यू कितना आएगा? देखो जब वो स्टार्ट करेगा स्लिपिंग स्लिप करना उस वक्त फ्रिक्शन क्या लगेगा, लिमिटिंग। हाँ सर। तो लिमिटिंग मतलब क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, होगा ना? होगा सर। ठीक है, तो अब आप कंडीशन क्या दिखाओगे सोचो, उसी डायग्राम को अगर मैं फिर से वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ, देखो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक यहाँ से अगर सोचें ऐसा कुछ इस वर्टिकल लाइन पे था पहले और ऐसे टर्न करके कुछ एक आ चुका है, ठीक है, ये एंगल थीटा पे टर्न कर चुका है, एम जी इधर से एक्ट कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट कर रहा था, एंड फ्रिक्शन ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं, और जस्ट ये अबाउट टू स्लिप वाले कंडीशन में आ चुका है, ये ऑब्वियसली ये आईसीआर है, अब तक तो आईसीआर ही है, हमने इसका ओमेगा भी निकाल ही रखा है ऑलरेडी, इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही हमने निकाल रखी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वी हैव फाउंड आउट, एंड वी हैव ऑल्सो सेड दैट दिस हैज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, सो इसके पास एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास के पास, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह रहे थे, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा इनटू आर, और इसके पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा जो कि होगा आपका ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। अब आप क्या करो, इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो, एम जी के कॉम्पोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं पहले, तो इधर का तो एम जी कॉस थीटा है ही, और इधर का आपका एम जी साइन थीटा भी है, ठीक है। एक रिजल्ट पिछला जो हमने निकाल रखा है ओमेगास का, वो वाला वैल्यू मैं लिख ले रहा हूँ फिर से, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर वाज 4/3 g इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर वाज 4/3 g इनटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू उसने कितना दे रखा था 6/7, तो इसको लिख लेते हैं, तो दिस इज 4/3 g इनटू 1 माइनस ऑफ 6/7 व्हिच इज 1/7 आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, so this becomes 4/21 times of g,
दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन नाउ. अब आप लिखो इक्वेशन नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के लिए. सो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू आई सी आर, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू आई सी आर इनटू अल्फा. तो आएगा सिर्फ और सिर्फ एम जी साइन थीटा का, एम जी साइन थीटा इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू आई सी आर. विथ रिस्पेक्ट टू आई सी आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंस दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, सो 3/2 mr² इनटू अल्फा. एंड एम तो यहाँ से हटा देते हैं, एक आर भी हटा देते हैं यहाँ से. तो यहाँ से आपके पास आ रही है अल्फा आर का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2/3 टाइम्स ऑफ जी साइन थीटा. अब साइन थीटा का वैल्यू विल बी कॉस थीटा इज 6/7, तो साइन थीटा का वैल्यू विल बी, साइन थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, नो, सो दिस विल बी रूट अंडर 13/7, रूट ओवर 13/7 आ जाएगा, 13/7 आएगा. सो साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर 13/7. तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन. और अब हम क्या करें, अब हम अलोंग दी नॉर्मल नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे. तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. सो एन का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी एम जी कॉस थीटा विच इज 6/7 माइनस ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, एंड दैट इज 4/21 इंटू जी. So this becomes 3, 6 are 18. 18 minus 4 is 14. So 14 mg/21. So this is basically 2 mg/3. यार ये ना देखो, तो एक बार calculation check करते रहना, मेरा calculation mistake अगर होगा तो पकड़ना, ठीक है? हाँ sir, ये आ रहा है. ये हो गई. अभी हम along the tangential direction लिखेंगे, ठीक है? Tangential direction जिसको हमने mark किया है. तो वहाँ पे आएगा mg sin theta minus of friction equal to mass into alpha, ठीक है? So mg sin theta minus of mu times of normal reaction, and normal reaction is 2 mg/3, that has to be equal to m into alpha r, and alpha r was 2/3 times of g into root 13/7. Samajh aaya na? Ye towards this, ye along center, ek baar main just likh deta hu, ye centripetal laga, theek hai na? ये पहला जो लिखा था ये सेंटीमीटर लिखा था, और अभी जो लिखा है ये टेंजेंशियल है, ठीक है? अब यहाँ से देखो, आपको म्यू आराम से मिल जाएगा यहाँ से. तो एम जी को हटाई देते हैं, एम जी हट जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ रही है 2/3 ऑफ म्यू इज कमिंग आउट टू बी साइन थीटा वाज रूट 13/7 एंड माइनस ऑफ 2/3 ऑफ रूट 13/7. So this becomes root 13/7 into 1/3, and that is 2/3 of mu. Third cancels out, and mu ka value becomes root 13/9. The answer will be. समझ आई? हाँ सर.